सो गाइस, यदि आप इंस्टाग्राम रील्स पर 1 से 2 घंटे लगातार ऐसे वीडियो देखते हो, 1 से 2 घंटे लगातार इंस्टाग्राम रील्स पर ऐसे वीडियो देखने से आपके मोबाइल में 1.5 GB डाटा, 2 GB डाटा जितना भी होता है वो सब खत्म हो जाता है, जिसके बाद आप अपने मोबाइल में कोई भी इंटरनेट का पर्सनल काम नहीं कर पाते। तो गाइस, यदि आप भी ऐसे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपका सारा डाटा इंस्टाग्राम रील्स वीडियो देखने में ही खत्म हो जाता है, तो इस वीडियो में आप सभी को इंस्टाग्राम रील्स की कुछ सेटिंग बताऊँगा। अगर आप उनको एनेबल कर लेते हो, उसके बाद आप इंस्टाग्राम रील्स पर पूरे दिन वीडियो देख सकते हो एंड आपके मोबाइल में आपका कोई भी पर्सनल नेट का काम है वो भी आप कर पाओगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, वीडियो को स्किप मत करना। सो गाइस, जैसे ही आप इंस्टाग्राम ओपन करते हो, इंस्टाग्राम ओपन करने के बाद इंस्टाग्राम के होम पेज पर जितना भी वीडियो होता है, पिक होता है एंड स्टोरी होता है वो सब ऑटो लोड हो जाता है, जिसमें आपका एकदम से बहुत ज्यादा डाटा खर्च हो जाता है इंस्टाग्राम ओपन करते ही। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करते हो, देन 3 डॉट पे क्लिक करना है। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आपको अकाउंट पर क्लिक करना है। अकाउंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, सेलुलर डाटा यूज। यहाँ पर आपको सेलुलर डाटा यूज सेटिंग पर जैसे ही आप क्लिक करते हो, तो यहाँ पर आपको डाटा सेवर को अनेबल कर देना है। जैसे ही आप डाटा सेवर को अनेबल करते हो, अब आप हाई रेजुलेशन में वीडियो एंड पिक नहीं देख पाओगे एंड आपका जो डाटा है इतना ज़्यादा खर्च नहीं होगा जितना आपका पहले होता था। एंड गाइस, होम पेज पर कोई भी स्टोरी, पिक एंड वीडियो ऑटो लोड नहीं होगी जिसमें आपका डाटा खर्च होता था, जैसे आप यहां पर ये अनेबल कर देते हो। एंड गाइस, आप लोग ये चाहते हो कि मैं हाई रेजुलेशन में मीडिया देख पाऊं, यहां पर आपको सेलुलर प्लस वाईफाई कर देनी है, इससे आपके डेटा से ही आपको हाई रेजुलेशन में दिखाई जाएगा। यदि आप ये चाहते हो जब भी आप वाईफाई से अपने इंस्टाग्राम को ओपन करते हो, जब भी आप हाई रेजुलेशन में देख पाओ, तो यहाँ पर आप वाईफाई ओनली कर सकते हो। मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूँगा आप वाईफाई ओनली रखिए। सेकेंड सेटिंग, आपको सेटिंग ओपन करना है। जैसे ही आप सेटिंग ओपन करते हो, यहाँ पर आपको ऐप्स में जाना है। ऐप्स में जाने के बाद यहाँ पर आपको सभी ऐप्स को जो आपने डाउनलोड किया हुआ है प्ले स्टोर से, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, उनके बैकग्राउंड डाटा को ऑफ कर देना है। यहाँ पर मैं इंस्टाग्राम ही ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं इंस्टाग्राम ले लेता हूँ। तो यहाँ पर आपको मोबाइल डाटा पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको अलाउ बैकग्राउंड डाटा यूज़ को ऑफ कर देना है, बस आपको ये सेटिंग कर देनी है। एंड गाइस, ऐसे ही आपको व्हाट्सएप, फेसबुक, जितने भी आपके मोबाइल में ऐप्स हैं उन सभी के अलाउ बैकग्राउंड डाटा यूज को ऑफ कर देना है। इससे क्या फ़ायदा होगा, बैकग्राउंड में कोई भी एप्लीकेशन होता है तो वहाँ पर आपके मोबाइल का डाटा यूज होता रहता है, जिससे आपके मोबाइल में MB बहुत जल्द ख़त्म हो जाती है। तो ये सब आपको सेटिंग कर लेना है। उसके बाद आप इंस्टाग्राम रील्स पर पूरे दिन आसानी से वीडियो देख सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं होगी एंड आपका डाटा भी जल्द ही ख़त्म नहीं होगा। आसानी से आप पूरे दिन इंस्टाग्राम रील्स पर वीडियो देख पाओगे एंड आपका डाटा बच जाएगा। सो गाइस जी, इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो को एक लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर देना एंड गाइस, चैनल सब्सक्राइब करना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।